नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमें स्टारबर्ड चैनल पर आपका। आज हम आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे। मौलिक अधिकार क्या होता है या किसी देश के नागरिकों के लिए या निवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे विश्व में जब सबसे पहले जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, चाहे वो फ्रांस की बात आती है, फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम में आप देखेंगे 1789 की जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो वहाँ पर नारा दिया गया कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया। उसी के बाद में पूरे विश्व में मौलिक अधिकारों की बात आगे बढ़ेगी, विशेष रूप से राजनीतिक स्थिति में। और मौलिक अधिकार की जो शुरुआत एक संवैधानिक दायरे में शुरुआत किया जाएगा तो अमेरिका से स्टार्ट होता है। तो वो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को पहली बार जगह दी गई। उसके बाद देखा गया कि पूरे विश्व के जितने भी संविधान हैं लोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकार को एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया, महत्वपूर्ण जगह मिली है। वहाँ के नागरिकों के राजनैतिक और सांस्कृतिक शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा योगदान दे रहा है। और हम आज देखते हैं कि मौलिक अधिकार, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो किसी देश के नागरिकों, निवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य कि मौलिक अधिकार किसी भी देश के नागरिकों के राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कारण से हमारे देश के संविधान में भी मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। हमारे देश का जो मौलिक अधिकार है वो अगर हम देखेंगे कि वो कितना हमारे देश के नागरिकों के विकास में मदद कर रहा है, तो हमारे देश में मौलिक अधिकार संविधान में अमेरिका से प्रभावित होकर शामिल किया गया है संविधान में अमेरिका से प्रभावित होकर शामिल किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकारों की अगर हम गिनती करते हैं तो सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद में हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद में हम देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एक और यहाँ पे बचेगा जिसको हम बोलते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो अब अभी आप लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उच्चारण का अधिकार सब। अब हम यहाँ पर एक एक को अलग अलग करके देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समानता का अधिकार देखते हैं। समानता का अधिकार, जिसे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक शामिल किया गया है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता का अधिकार शामिल है। देखिए भारतीय समाज में या भारत में समानता के अधिकार को शामिल करने का कई कारण हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सदियों से अगर देखा जाएगा तो भारत में कुछ समाज ऐसे हैं या जिसको हम OBC SC कह सकते हैं, महिलाओं कह सकते हैं, उनको समाज में वो महत्व नहीं दिया गया, या यूँ कह सकते हैं कि उनको द्वयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया। इस कारण से भारतीय संविधान में सबसे पहले समानता के अधिकार को ही शामिल किया गया है, जिसको हम अब पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल नंबर 14 के दृष्टि से देखा जाएगा तो कानून के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, जिसे आर्टिकल नंबर हम 14 से दिखा दें। देखिए पहले पहलू क्या समझते हैं, कानून के समक्ष समता। कहने का तात्पर्य यह हो रहा है कि भारत में चाहे वो नागरिक हो या यहाँ का निवासी हो, या कोई गरीब हो, कोई अमीर व्यक्ति हो, या कोई भी हो, वो कानून की दृष्टि में क्या है, समान। मतलब कानून भारत में सभी, या संविधान भारत के सभी नागरिकों और निवासियों को समानता की दृष्टि से देखता है। हमारे देश में आप देखेंगे समाज में कई प्रकार के ऐसी स्थिति विद्यमान थी जिसको दूर करना जरूरी था, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने निश्चित तौर पर इस कानून को या इस आर्टिकल को शामिल करके अच्छा किया कि सभी लोगों को संविधान की दृष्टि से एक समान दृष्टि से आकर रहे। अगला यहाँ पर बोला जाए विधियों का समान संरक्षण। भाई विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है कि कानून लागू करते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब कानून लागू करते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आप देखेंगे कि हमारे देश में कहीं आपको आए दिन समाचारों में आदमी मिल जाता है कि कानून लागू करते समय अमीरों को छोड़ दिया जाता है, जो गरीब या कमजोर वर्ग मजदूर वर्ग है उनको काफी हद तक एक तरह से कानून लागू करते समय उनके साथ में समानता का पालन नहीं किया जाता है। तो कानून लागू करते समय चाहे अमीर हो या गरीब, उद्योगपति हो, मजदूर हो, किसी को अपराध करने की छूट नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर यही है, कानून को लागू करते समय, उसको जांच करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, इसका एक्सेप्शन है, इस आर्टिकल नंबर 14 का एक्सेप्शन भी है। इस अपवाद क्या है, इसमें इस आर्टिकल नंबर 14 का अपवाद में क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट, राष्ट्रपति राज्यपाल को पद पर रहते हुए छूट दी गई है। कहने का मतलब जब तक वो पद पर रहें तब तक उनके खिलाफ में विशेष रूप से क्रिमिनल मामलों को छोड़कर सिविल मामलों में उनके किसी भी प्रकार का छूट नहीं प्रदान किया जाएगा, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, अपने पद से हट जाएंगे, तो उनको एक महीने पहले नोटिस दी जाएगी
और उसके बाद में फिर उनके खिलाफ में उस कानून को भी इनके खिलाफ में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में कानून को लागू करते समय किसी को भी नहीं छोड़ा गया, अपवाद स्वरूप बेशक छूट मिलेगी, लेकिन जब वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, पद को छोड़ देंगे, तो उसके तब उनके खिलाफ में ये कानून लागू होता है। तो आर्टिकल नंबर 14 हो गया। अब हम आर्टिकल नंबर 15 देखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है, मतलब 15 के अनुसार हमारे देश में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये आर्टिकल आप जाएंगे महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम 33 में 1833 के चार्टर अधिनियम में भी ये शामिल किया गया था। चार्टर में शामिल किया गया था कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम में इसका पहले भी उल्लेख किया गया। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जातियों के आधार पर, हमारे देश में प्राचीन काल से, या यूँ कहेंगे कि हमारे देश में जाति एक वास्तविकता है, और आप इस जाति व्यवस्था से हम चाह करके फिर भी इसे भाग नहीं सकते। फिर भी हमारे देश में बोला गया कि जो जातियां हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या जनरल, इन सभी जातियों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले का तात्पर्य यहाँ पर हो रहा है कि जातियों के बीच में एक सामाजिक न्याय की कल्पना की, किसी भी जाति को किसी भी प्रकार का राजनीतिक रूप से नेतृत्व ज़्यादा नहीं मिलेगा, और ना तो किसी को कम ही नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। इस कारण से जातियों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। धर्म की बात हो रही कि वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, इन सभी धर्मों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस किसी भी धर्म के व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव जैसी स्थिति नहीं प्रदर्शित होगी। लिंग की बात, हमारे देश में महिला पुरुष, आप देखेंगे कि एक भारत तो सदियों से, या यूँ कह सकते हैं कि वैदिक काल से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है, और इसमें पितृसत्तात्मक समाज में जैसे होगा तो महिलाओं की, आप देखें उत्तर वैदिक काल के बाद में भारत में महिलाओं की स्थिति खराब होना शुरू हो जाएगी, लेकिन कभी अच्छी स्थिति है, कभी सुधर रही है, कभी नहीं सुधर रही। लेकिन बात यहाँ पर हो रही थी महिलाओं के साथ साथ भेदभाव किया जाता था। संविधान निर्माताओं ने देखा कि हमारे देश में महिलाओं को जब तक कुछ अधिकार नहीं मिलेगा या कुछ मामले में उनको छूट नहीं मिलेगी, तो उनको निश्चित तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कारण से भारत में महिला पुरुष के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर से कानून को लागू करते समय, या कानून को उनको अपराध या किसी दंड के मामले में अगर स्थिति उनके खिलाफ में जाती है, या उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, तो किसी भी प्रकार से उनको छूट आदि के प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गई। जन्म स्थान के आधार पर हमारे देश में आप देखेंगे सेंटिमेंट बन जाता है कि जो पिछड़े राज्य हैं उन राज्यों के नागरिकों के प्रति में लोग कुछ हद तक भेदभाव की स्थिति दर्शाते थे, या ये कह सकते हैं कि अभी आपको हमारे देश में जो एसटी जो है, जिनको अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियों के प्रति में वो अभी आप देखें वो जहाँ से निवास करते हैं उस निवास के कंडीशन को देख करके कभी ना कहीं भारतीय समाज में एक गलत धारणा बन जाती है। इस कारण से भारतीय संविधान में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जैसी स्थिति को खत्म करने का प्रावधान किया गया है। तो अगला है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये आर्टिकल नंबर 16
सबसे पहले तो हमको ये जान लेना है कि लोक नियोजन का मतलब होता है कि सरकारी नौकरियों, सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का किसी भी के साथ में भेदभाव की स्थिति नहीं की जाएगी। आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 14 और 15 को अगर जोड़ दिया जाता है भारत में, तो आर्टिकल नंबर 14 और 15 को जोड़ करके हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था जो हुई है, आप यहाँ पर हम कह सकते हैं कि EWS OBC SC और ST इन चार वर्गों को सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं इनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, और विशेष रूप से SC और ST को हर तरह से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। आप इसी आर्टिकल का सहारा लेकर महिलाओं को विशेष तौर पर राजनीति में आने के लिए भारत सरकार ने प्रयास भी किया कि ताकि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान हो सके, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने 33% राजनीति में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। आप देखेंगे इस लोक नियोजन के माध्यम से EWS OBC और SC ST को सरकारी नौकरियों के माध्यम से उचित प्रतिनिधित्व देकर के उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण करने का प्रयास किया गया है। अगला हम देख सकते हैं आर्टिकल नंबर हम 17 ले जाएंगे, जिसमें उपाधियों का अंतर अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जिसको हम बोलते हैं छुआछूत, छुआछूत का अंत वो किया गया है। आर्टिकल नंबर 17 हमारे देश में अस्पृश्यता जो है एक जब जाति व्यवस्था के साथ साथ हमारे देश में अस्पृश्यता का बोलबाला जो है वो एक तरह से उस समय और स्थिति खराब हो जाती है कि जब हमारे देश में सामाजिकरण आर्थिक दृष्टि के बजाय सामाजिक दृष्टि से जातियों का संगठन करना शुरू किया गया, और इस कारण से हमारे देश में जिनको आज SC बोलते हैं, ST बोलते हैं, इनके साथ में छुआछूत को बड़े पैमाने पर एक तरह से बढ़ावा दिया गया। एक हम बढ़ावा तो नहीं कह सकते हैं, बट एक सेंटीमेंट इस तरह से बना कि लोग इनके प्रति में एक दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं, तो इस कारण से अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया, इसको एक अपराध घोषित कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 17 के माध्यम से अपराध घोषित है। और जो गैर जमानती है, कहने वाले कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता को बढ़ावा देता हुआ या छुआछूत को बढ़ावा देता हुआ अगर मिला तो उसके खिलाफ में गैर जमानती जैसी स्थिति अपराध घोषित करके उसको सजा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 18 जिसमें उल्लेख किया गया उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल नंबर 18। देखिए भारत में उपाधियों का मामला जब बनता है तो इसके पीछे काफी विवाद होता है, विवाद की स्थिति भी बनती है कि जब देश आजाद हो जाता है तो देश आजाद होने के बाद में भारत रत्न भी, भारत रत्न की उपाधि भी देना शुरू किया गया, तो भारत रत्न के बारे में कुछ लोगों ने कहा भाई ये भी एक उपाधि है, बट उसमें भारत सरकार ने यहाँ जो रूल्स बनाए कि उपाधि भारत रत्न या पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री जैसे जो उस समय वो व्यक्ति नाम में प्रयोग किया जाएगा जो उसकी डेथ होने के बाद, जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक उसके नाम में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जैसे उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। भारत में कोई भी व्यक्ति अपने नाम में राजा, महाराजा, सम्राट या अन्य उपाधियों का नाम प्रयोग नहीं कर सकता, हाँ वो अपने नाम शब्द नेम का प्रयोग कर सकता है। तो भारत में आर्टिकल नंबर 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत करके एक तरह से हमारे देश में राजसी मानसिकता जैसी, जिसको कहते राजे रजवाड़े जैसी स्थिति को
खत्म करने का प्रयास किया गया था। और इस प्रकार से हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात थी कि एक राजसी जिसको कहते वीआईपी कल्चर को खत्म करने का प्रयास किया गया था। अब हम आगे देखते हैं, हम लोग समानता का अधिकार देख चुके हैं, समानता के अधिकार के बाद में हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें हम आर्टिकल नंबर 19 को शामिल करेंगे, 20 को शामिल करेंगे, 21 को शामिल करेंगे और 22 को शामिल करेंगे। ये चार आर्टिकल हैं जिसमें से आर्टिकल नंबर 19 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें वाक यौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, थोड़ा से हम इसको 19 को और डिटेल में समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19 जो है इसमें कई स्वतंत्रताएं शामिल, कई स्वतंत्रताएं शामिल हैं जिसमें हम सबसे पहले 19(1) ए को शामिल करते हैं। 19(1) ए शामिल है जिसमें हम कहते हैं कि वाक यौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19(1) ए में वाक यौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। इसमें हम देखेंगे इसी आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता भी है, प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। इसी में सूचना का अधिकार अधिनियम भी है, सूचना का अधिकार अधिनियम भी शामिल है इसी में, जो 2005 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो आपने देखा कि वाक यौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी शामिल है। हम समझने का प्रयास करते हैं कि वाक यौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक यौन अभिव्यक्ति, मतलब हमको बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी हमको मिली और व्यक्त करने की भी आजादी हमको, व्यक्त की आजादी भी है हमको। बोलने की आजादी का तात्पर्य हो रहा है कि हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, बशर्ते सरकार की वैध आलोचना करना है, सरकार जहाँ गलत कर रही है या कहीं भी कुछ होता है तो उसको हमको अपने एक स्वतंत्रता मिली। देखिए व्यक्ति को अगर बोलने की स्वतंत्रता नहीं मिलती तो एक तरह से उसको कुछ नहीं कर पा, एक उसकी मानसिकता के विकास में व्यक्ति को बोलने की जब तक आज़ादी नहीं मिली वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। इस कारण से भारतीय संविधान ने आर्टिकल नंबर 19(1) में वाक की स्वतंत्रता दी गई और साथ साथ उसको व्यक्त करने की भी आजादी मिली। देखिए व्यक्त हम क्या कैसे कैसे लिख करके कर सकते हैं, संकेत में कर सकते हैं या किसी अन्य प्रकार से भी हम व्यक्त करने की आजादी हमको मिली है। तो वाक और व्यक्ति की आजादी इस आर्टिकल नंबर 19(1)A में मिला है। प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी भी हमको मिली है भारत में, चाहे वो प्रेस, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सबको अपनी सूचनाओं को प्रसारण करने की इसमें छूट मिली। आपको सूचना का अधिकार अधिनियम आता है, सूचना का अधिकार
भारतीय राजनीति में एक ऐसा अधिकार है कि हम किसी भी विभाग से जाकर के सूचनाओं को या वहाँ पर कार्यप्रणाली या वहाँ पर जो भी चीज़ें हम पैसे प्राप्त करने का अधिकार इसके माध्यम से मिला है। और हर सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई विभाग हो, अपने उस सूचना को आप वहाँ से प्राप्त करके सरकार द्वारा क्या करने जा रही है, उसने क्या खर्च किए, क्या अभिव्यक्ति दिया, तो इस कानून का उपयोग करके हम उसके बारे में जानकारी आज प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।